हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि डेटा एंट्री क्या होती है और डेटा एंट्री करने के कितने तरीके होते हैं और डेटा एंट्री कैसे करी जाती है। आइए जानते हैं। तो जो डेटा एंट्री है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये छोटी सी चीज है जो कि सिर्फ कंप्यूटर पे करी जा सकती है। तो डेटा एंट्री मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो डेटा एंट्री का मतलब होता है डाटा की एंट्री करना, जो वर्ड से समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा डाटा है ये आप डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे कि आपकी अपनी कंपनी कौन सा काम करती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई टेलीकॉम कंपनी है और उस कंपनी में कोई डेटा एंट्री करता है, तो वहां पे वो क्या डेटा एंट्री करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो हम कोई सिम लेते हैं, तो यहाँ पे हमें अपने आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ता है। तो वहां पे जो डेटा एंट्री होगी वो होगा नेम, सबसे पहले नेम होगा, फिर फादर नेम, एड्रेस, एड्रेस होगा, फिर उसका मोबाइल नंबर, जो उसने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराया है तो ठीक। फिर उसकी जीमेल आईडी, अगर उन्हें जीमेल आईडी प्रोवाइड कराई है वो भी ठीक। इसके बाद अगर ना कोई और आईडी प्रूफ दिया है तो वो भी आगे आईडी प्रूफ लगेगा। इसके बाद और ना जो आईडी प्रूफ दिया है उसकी डिटेल, तो आईडी प्रूफ में वो कुछ भी दे सकता है, जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, तो कुछ भी दे सकता है वो, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पे से क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, आप उससे क्या डॉक्यूमेंट लेता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई होती है, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है, जो उसी डॉक्यूमेंट्स में लिखी होगी, बस आपको अपने कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। तो आपको कहाँ टाइप करना होगा मैं बताता हूँ। तो इनकी खुद की वेबसाइट होती है, जैसे कि ये एयरटेल कंपनी है, उनकी खुद की वेबसाइट है जो कि डेटा एंट्री करते हैं, वहां पे उनका नाम एड्रेस वगैरह डाला जाता है। इसके बाद ये उनके सर्वर पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की खुद की वेबसाइट होती है और उनका खुद का पेज होता है जहाँ पे कुछ कॉलम बने हुए होते हैं, और आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे नाम डालना है, यहाँ पे एड्रेस, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ डिटेल भर के आपको वहां सेव करनी पड़ेगी। बस यही होता है डेटा एंट्री, ज्यादा काम नहीं होता है। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 प्लस होनी चाहिए, तभी आपको वो जॉब पर रखेंगे, वरना वो आपको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।